हाय ऑल वेलकम टू माय चैनल मैं हूँ चारू और आज का वीडियो है करवाचौथ स्पेशल करवा चौथ के लिए हम जो मेन इवेंट के लिए रेडी होते हैं शाम को चाँद देखने के लिए या कहानी सुनने के लिए वो वाले लुक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं ऑफिस लुक शेयर करूँगी करवा चौथ के लिए क्योंकि वीकडे पर पड़ रहा है इस बार करवा चौथ और आज के जितने भी आउटफिट्स हैं उनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कुछ मैंने ऑफलाइन लिए हैं कुछ ऑनलाइन लिए हैं तो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते ओके फॉर द फर्स्ट लुक मैंने पहना है ये मरून शरारा सेट ये एक्चुअली गिफ्टेड है मेरी भाभी ने मुझे दिया था ये लास्ट ईयर और इसके कलर और प्रिंट की वजह से ये एकदम करवा चौथ अप्रोप्रिएट है साथ में मैंने ये चांद पहनी है जो आप मल्टीपल टाइम्स मेरी वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे क्योंकि ये ऐसे ही इयर हैं जो हर किसी के साथ चले जाते हैं इंडियन वेयर में और हाथ में मैंने एक चूड़ा पहना है मरून कलर का कड़ा टाइप आता है ये सिंगल चूड़ा मेरे पास यही था अभी इसके साथ लेकिन अगर आप पूरा बड़ा चूड़ा पहनेंगे बहुत सारी चूड़ियों वाला तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और या देट्स अ लुक सेकंड लुक के लिए मैंने यही वाला कुर्ता पहना है ये डब्ल्यू ब्रांड का है एकदम ब्राइट रेड कलर का कुर्ता साथ में मैंने वाइट प्लाजो पहनी है इसके और व्हाइट ये वाला दुपट्टा लिया है ये जो प्लाजो है वो मैंने आपको ईद लुक बुक में एक ड्रेस दिखाई थी अपनी मैं फोटो अटैच कर दूँगी साथ में इंडो वेस्टर्न ड्रेस थी उसके साथ की प्लाजो है और हाथों में मैंने रेड कलर का चूड़ा पहन लिया है कानों में मैंने स्टेटमेंट ईयरिंग्स पहने हैं और ये एकदम लाइट वेट फ्लोई ड्रेस है अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ भारी बरकम नहीं पहनना पसंद करवा चौथ पे तो ये बिल्कुल ऐसे लेडीज़ के लिए एप्ट है ओके थर्ड लुक के लिए मैंने पहना है ये औरलिया ब्रांड का ए लाइन कुर्ता डार्क पिंक कलर का और साथ में मैंने ये गोल्डन कलर की आ, लेगिंग्स पहनी है और गोल्डन मैंने नेट का दुपट्टा ले लिया है थोड़ा हैवी वाला और साथ में मैंने चूड़ा पहना है दो चूड़ों को मैंने मिक्स एंड मैच करके आ, पहन लिया है और इयर में मैंने ये झुमकी पहनी है गले में मैंने एक पेंडेंट पहन लिया है छोटा सा लुक को कम्प्लीट करने के लिए अब मुझे इसकी एक्चुअली लेगिंग के बारे में आपसे बात करनी है ये है इसकी गोल्डन कलर की लेगिंग तो इसको स्टाइल करने की एक्चुअली एक ट्रिक है जो कि मैंने फैशन ब्लेंडर करके सीखी है अभी मैंने इसको पहन रखा है जिस कुर्ते के साथ उसमें साइड स्लिट नहीं है साइड में से जुड़ा हुआ है वो तो उन उस टाइप के कुर्तों के साथ ये चल जाती है अच्छी लगती है बल्कि गोल्डन कलर की है तो बहुत सारी चीज़ों के साथ चल जाती है बहुत सारे कुर्तों में गोल्डन होता ही होता है तो बहुत सारी चीज़ों के साथ मिक्स एंड मैच हो जाती है लेकिन गड़बड़ मैं पहले क्या करती थी मैं इसको कॉलेज पहन के चली जाती थी अपने साइड स्लिट वाले कुर्तों के साथ तो मैंने खुद से कभी नोटिस नहीं किया ना किसी ने मुझे बोला कि कुछ ऑफ लग रहा है या क्या तो मैं पहन के जाती थी एक बार मैं स्कूटी पे जा रही थी साइड सेट थी मैंने कुर्ता पहन रखा था और ये लेगिंग पहन रखी थी तो क्या हुआ कि लोग बाग मुड़ मुड़ के देख रहे थे बार 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 हो रहा था ये तो मुझे लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बाद में जब मैं पहुँच गई कॉलेज तब मैंने रियलाइज़ किया क्योंकि कुर्ता उड़े जाता है स्कूटी पर आप जाओ तो और ये बॉटम ऐसी लगती है कि आपने कुछ पहन ही नहीं रखा तो वो बहुत ही एम्बेरसिंग एक्चुअली सिचुएशन थी उसके बाद से मैंने इसको साइड स्लिट वाले कुर्तों के साथ पहनना बंद कर दिया तो आप भी ध्यान रखिए कि इसको जो ए लाइन अनारकली जितने भी कुर्ते हैं आप उनके साथ आराम से पहनिए अच्छी भी लगती है और दूसरा इसका फ़ायदा मैं बताती हूँ मेरी जितनी भी बॉटम्स है वाइट या ऑफ वाइट सब की सब ट्रांसपेरेंट है वाइट कलर की वजह से एक्चुअली ऐसा होता है कि वो लाइट एकदम कलर होता है तो ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन ये कपड़े बनाने वाली कंपनीज को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बॉटम्स uh, में तो लाइनिंग होनी चाहिए पर नहीं होती लास्ट वाला जो मैंने आपको लुक दिखाया वो जो प्लाज़ो है उसमें भी लाइनिंग नहीं है और कुर्ते के नीचे फिर भी चल जाता है कुर्ता लॉन्ग होता है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन वो जो ड्रेस है वो पूरी मतलब क्रॉप टॉप है और प्लाज़ो है जैकेट भी उसकी ट्रांसपेरेंट

लाइनिंग लगी हुई है उसमें लेकिन अब जो है वो उसको भी तो यूज़ में लेना ही है ना तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए और ये हैक आप यूज़ कर सकते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ लुक के लिए मैंने चूज़ करी है साड़ी कि साड़ी के बिना तो मेरा चौथ तो एकदम अधूरा है मैंने आज तक अपने हर करवा चौथ पे साड़ी ही पहनी है तो पहली साड़ी है ये रेड कलर की साड़ी एकदम चटक वाला रेड कलर है इसका ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे ली थी प्लेन साड़ी है बिल्कुल बस छोटा सा बॉर्डर है और बीच बीच में ये बूटियाँ बनी हुई हैं और इसके साथ मैंने ये बड़ा सा चोकर पहन लिया है और चोकर के साथ वाले ही ईयर पहने हैं अगर आपको इतना बड़ा कुछ नहीं पहनना तो आप एक छोटा सा सेट भी पहन सकते हैं मुझे एक्चुअली थोड़ा हैवी लुक चाहिए था इसीलिए मैंने ये चोकर पहन लिया है हाथों में मैंने इस से मिलती जुलती ही चूड़ियाँ पहनी है एंड या दैट्स द लुक ओके फॉर द फाइनल लुक मैंने पहन लिया है ये रानी कलर की जरी वाली साड़ी ये एक्चुअली मैंने लास्ट करवा चौथ पे पहनी थी और साड़ी क्योंकि पूरी भरी हुई है तो मैंने इसको एक्सेसराइज थोड़ा सिंपल वे में किया है कानों में मैंने स्टड इयरिंग्स पहन लिए हैं और गले में मैंने वही थर्ड लुक वाला पेंडेंट पहना है लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने येलो कलर का चूड़ा पहना है क्योंकि साड़ी में बंदेज का प्रिंट है और उसमें भी थोड़ा येलो येलो बना हुआ है प्रिंट एंड या दैट्स द फाइनल लुक ओके okay गाइस तो ये थे आज के पांच करवा चौथ लुक्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे अपना फेवरेट लुक बताइएगा मेरा फेवरेट तो यही वाला लुक है जो मैं आज भी पहन के बैठ गई हूँ और चैनल के लिए अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा मैं आगे और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने वाली हूँ फैशन के ऊपर ही तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में करवा चौथ लुक बुक ऑफिस के लिए जो होगा तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर